नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आज जबलपुर एसपी ऑफिस जनसुनवाई में पहुंचे बगराजी कुंडम के जिला पंचायत सदस्य ने पूर्व एमएलए के बेटे पर शराब बिकवाने का आरोप लगाया। दतिया में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री पकड़ाई गई है। आपको बता दें कि एसपी मयंक अवस्थी को पिछले काफी समय से हथियारों की तस्करी की सूचनाएं मिल रही थी। जबलपुर के गोरखपुर थाने की रामपुर चौकी अंतर्गत पकड़े गए मुन्नालाल उइके की निशानदेही पर 10 तोला सोना और लैपटॉप जब्त किया गया है। दतिया में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री पकड़ाई गई है। आपको बता दें कि एसपी मयंक अवस्थी को पिछले काफी समय से हथियारों की तस्करी की सूचनाएं मिल रही थी, जिस पर एसपी मयंक अवस्थी ने तस्करी रोकने हेतु मुखबिरों का जाल फैलाया और दतिया जिले के समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया। इसी तारतम्य में मुखबिर से सूचना मिली कि घरावा थाना उनाव के जंगल में कुछ बदमाश अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री लगाकर अवैध हथियारों का निर्माण कर रहे हैं। पुलिस ने दबिश देकर हथियारों का जखीरा और बदमाशों को पुलिस ने कब्जे में ले लिया। समय से सूचना प्राप्त हो रही थी कि दतिया जिले में हथियारों की तस्करी का काम चल रहा है, जिसको लेकर पूरे जिले में बॉर्डरिंग थाना क्षेत्रों में मुखबिरों का जाल फैलाया गया था। और कुछ दिन से हमें एक खबर मिली थी कि यहाँ पे कुछ लोग जंगल में कुछ हथियार बनाने का सामान इकट्ठा करके वहाँ एक फैक्ट्री संचालित कर रहे हैं, जिसमें वो अवैध हथियार बना रहे हैं और उनका विक्रय कर रहे हैं। इस सूचना पर से उनाव थाना प्रभारी रिपुदमन सिंह राजावत को उनकी टीम के साथ पाबंद किया गया था उनकी घेराबंदी एवं धरपकड़ के लिए। दिनांक 19 दिसंबर को रिपुदमन सिंह राजावत एवं उनकी टीम में एएसआई राजकुमार सिंह, सुमेर सिंह, अनिल सिंह तोमर, जादौन शिवकुमार सिंह, विवेक उपाध्याय, पुष्पेंद्र यादव, पुष्पेंद्र परिहार, इन सब की टीम ने जाके दबिश दी तो वहां पे एक भारी मात्रा में बने हुए अवैध कट्टे और कुछ अधबने हुए कट्टे, कुछ नाले, कुछ जिंदा राउंड और बनाने का ये सामग्री जिससे वो कट्टे का निर्माण करते थे, ये प्राप्त हुआ है। नवी मुंबई कोपर खेराने बेलापुर ठाणे रोड व्हाइट हाउस के सामने एक स्विफ्ट डिजायर NH4 ATW0970 में अचानक आग लग गई। ये घटना शाम 6 बजे की है, जब एक परिवार के ही 4 लोग गगनगिरी तीर्थ यात्रा करके लौट रहे थे। फिलहाल आग किस कारण से लगी अभी तक पता नहीं चल पाया है। वहीं देखते ही देखते गाड़ी पूरी तरह जलकर खाक हो गई। गाड़ी उड़ल दी। जबलपुर के गोरखपुर थाने की रामपुर चौकी अंतर्गत पकड़े गए मुन्नालाल उइके की निशानदेही पर 10 तोला सोना और लैपटॉप जब्त किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुन्ना ने अपने दोस्त इंद्र कुमार के साथ रामपुर में चोरी को अंजाम दिया था। सघन पूछताछ पर जानकारी लगी कि आरोपी के शहर में हुई कई चोरियों से तार जुड़े हैं। आरोपी की जानकारी पर दबिश देते हुए चोरी का सामान खरीद फरोख्त करने वाले युवक को भी दबोचा गया, जिसकी जानकारी पर भी कई चोरियों का खुलासा किया गया है। आरोपी से सोने के सामान सहित एक गैस टंकी और एक्टिवा गाड़ी भी जब्त की गई है। साथ ही आरोपियों से अन्य वारदातों के खुलासे की संभावना है। कल दिनांक 17 को हमें मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक चोरी का संदेही व्यक्ति है, उसको हमने पकड़ा और पूछताछ की तो उसने रामनगर रामपुर में चोरी करना स्वीकार किया। मसरू का हमने जब्त किया कल। फिर हमने उससे पूछताछ की तो उसने चोरी गया लैपटॉप और टीवी एक सतामी नामक व्यक्ति को बेचना बताया, जिसको हमने तिलवारा से गिरफ्तार किया और उससे भी पूछताछ की। तत्पश्चात हमने उसका PR एक दिन का पुलिस रिमांड प्राप्त किया और उससे पुनः पूछताछ की तो उसने प्रकरण में चोरी गया मसरू का करीब 8 तोले सोना मंदिर के पीछे छिपा रखा था, जो कि उसने जब्त कराया। और उसी दौरान हमें मुखबिर से पुनः सूचना प्राप्त हुई कि एक अन्य चोरी
का संदेही देवेंद्र उर्फ देव विश्वकर्मा एक चोरी की एक्टिवा से माल बेचने जा रहा है। तो हमने तुरंत एक मौके पे टीम रवाना की, विधानाधीक्षक प्रमोद पांडे एवं क्राइम ब्रांच की टीम के हमरा में, और उसको भी पकड़ा। उससे पूछताछ की, उसने थाना मदन महल अंतर्गत चोरी करना स्वीकार किया। बुनियादी सुविधाओं से जूझ रहे बिरसा विकासखंड की ग्राम पंचायत अडोरी के बेगा बाहुल्य गांव में प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन एवं अन्य सामाजिक संगठनों की मदद से स्वास्थ्य शिविर, कंबल और गर्म कपड़ों का वितरण किया गया, जिसमें समाज सेवियों के द्वारा लगभग 260 लोगों को कंबल, गर्म कपड़े, साड़ी, रेडीमेड कपड़े वितरित किए गए। जबकि आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर रमेश तेलवानी ने करीब 200 मरीजों का इलाज कर निःशुल्क दवाइयां वितरित की। जिला मुख्यालय से 100 किलोमीटर दूर ग्राम बोंदारी अति दुर्गम और नक्सल प्रभावित है। इस क्षेत्र के लोगों की मांग थी कि यहां पर स्वास्थ्य शिविर और कंबल वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया जाए, जिस पर प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन और अन्य सामाजिक संगठनों के द्वारा शिविर आयोजित किया गया। इन सामाजिक संस्था के द्वारा विगत 8 वर्षों से जरूरतमंदों की जरूरतों की पूर्ति की जा रही है, जिसमें ठंड के दिनों में आदिवासी और वनांचल क्षेत्रों में कंबल और गर्म कपड़ों का वितरण किया जाता है। लगभग यहाँ ट्राइबल एरिया बुंदारी है, जो शहर से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। यहाँ मूलभूत सुविधाओं से काफ़ी दूर गांव आदिवासी मेगा आदि वनवासी गांव है। यहाँ लगभग मैंने 160 मरीज देखा। मैं लगभग 98 से ये वनवासी आदिवासी गांव में अपनी आयुर्वेदिक चिकित्सा कर रहा हूँ तथा सेवाएं दे रहा हूँ। इस संस्था की ओर से 160 कंबल एवं श्री प्रेमचंद वैद्य की तरफ से लगभग 100 कंबल वितरण किए गए, और अन्य वस्तुएं जो है साड़ियां हैं, कपड़े हैं, कान के बच्चों के कपड़े हैं, कान में लगाने के जो वो थे जरूरतमंद लोगों के लिए मेडिकल कंबल एवं वस्त्र वितरण का कार्यक्रम था। इसमें विभिन्न लोगों का सहयोग था। डॉक्टर रमेश सेनानी, श्री रमेश मेश्राम जी की बहुत स्वागत फाउंडेशन की ओर से काफी कुछ था। ये मेरा कार्य क्षेत्र रहा है। 1960 से मैं लगातार इन इलाकों के जंगलों में काम करता रहा हूँ, व्यवसाय रहा है। दतिया जिले की तहसील इंदरगढ़ मंडी में किसानों के लिए कोई भी व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए। यही कारण है कि शासन की जिन योजनाओं का लाभ किसानों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। इंदरगढ़ कृषि उपज मंडी का निर्माण किसानों के लिए करीब 9 करोड़ रुपए की लागत से 4 साल पहले मंडी प्रांगण बनवाया गया है। मंडी में कैंटीन बनाई गई है, जिसमें गांव और दूर दराज से फसल बेचने आने पर किसानों को 5 रुपए में भोजन प्राप्त हो। लेकिन मंडी अध्यक्ष ने अपने रिश्तेदार को कैंटीन का ठेका दिया है, लेकिन आज तक ठेकेदार ने कैंटीन चालू नहीं की है। मंडी समिति ने कैंटीन में ताला डाल रखा है, जिसकी वजह से मंडी में आने वाले किसान अपने घर से भोजन लाते हैं और मंडी से 1 किलोमीटर पैदल चलकर बाजार में भोजन, चाय, नाश्ता करने जाना पड़ता है। किसानों के लिए बैठने की तक व्यवस्था नहीं है। धूप और टीनशेड में खड़े रहकर व्यापारियों को इंतजार करना पड़ता है। किसानों की सुविधा को लेकर मंडी प्रबंधन द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मंडी में अनाज बेचने के लिए आने वाले किसानों के लिए परिसर में पीने तक पानी की व्यवस्था नहीं है। किसानों को परिसर से बाहर आकर दुकानों से पाउच या बोतल खरीदकर अपनी प्यास बुझानी पड़ती है। साथ ही परिसर में टॉयलेट भी नहीं है। किसानों को शौच के लिए भी खुले में जाना पड़ता है। क्या सुविधा है मंडी में? मंडी में ना पानी की सुविधा है, ना कैंटीन खुला हुआ है। हम सब किसान भाई यहाँ बहुत परेशान रहते हैं। पानी, ना खाना पीना, कोई सुविधा नहीं। जो कैंटीन चालू होना था, ना वो कोई कैंटीन है, ना वो 5 रुपए में भोजन मिल रहा था, ना वो भोजन है, कुछ नहीं है। किसान साले परेशान के परेशान रहते हैं। खाना पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो आप घर से हम घर से ले आते हैं तो खा लेते हैं, नहीं ले आते ना यहाँ चाय की व्यवस्था, ना यहाँ कोई होटल है, ना यहाँ कोई कुछ व्यवस्था, सारी यहाँ फैले हैं। शौचालय वगैरह भी बंद है यहाँ के। कैंटीन में कोई व्यवस्था नहीं है। शासन की ओर से कोई व्यवस्था नहीं है। केवल किसान मंडी में आता है, गल्ला बेच कर चला जाता है। उसके लिए सुविधा तो कोई है नहीं। भूख लगती तो क्या करते हैं? निजी खाते हैं, खाना ले आते हैं, कोई नाश्ता ले आता है या खाना खाकर आते हैं, सब घर जाके खा लेते हैं या फिर बाजार में चले जाते हैं। बाजार कितनी दूर है? 1 किलोमीटर है।
दतिया जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर इंदरगढ़ में कॉलेज में परीक्षाएं इन दिनों टेंट लगाकर संचालित हो रही हैं। कॉलेज प्रबंधन ने प्रांगण में टेंट लगवाया और वहां कुर्सियां डालकर परीक्षाएं शुरू कराई। ये मजबूरी की परीक्षा है, वो इसलिए भी कि कॉलेज के पास परीक्षाएं कराने के लिए कहीं और जगह भी उपलब्ध नहीं है। 3 कमरे हैं लेकिन उनमें सामान रखा है। खास बात यह है कि पिछले 3 साल पहले कॉलेज भवन के निर्माण के लिए स्वीकृति मिल चुकी है, जगह को चिन्हित कर लिया गया है, लेकिन जनप्रतिनिधियों की लेट लतीफी के चक्कर में अभी तक भूमि पूजन तक नहीं हो सका है। यही वजह है कि बच्चे सोमवार को टेंट के नीचे परीक्षाएं देते नजर आए। इंदरगढ़ कॉलेज में लगभग 600 से ज्यादा छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। हर साल ये संख्या बढ़ जाती है। कॉलेज में भवन के नाम पर केवल 3 कमरे हैं, जिसमें से 1 में प्राचार्य कक्ष, 1 में सामग्री भरी रहती है और केवल 1 ही कक्ष खाली है, जिसमें इतने बच्चे एक साथ बिठा पाना संभव नहीं होता है। शनिवार से जीवाजी विश्वविद्यालय की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। इसमें परेशानी बस यही है कि मतलब स्टूडेंट इतने सारे हैं और फिर परेशानी पड़ जाती है, रूम भी नहीं है और जैसे बारिश भी हो सकती है तो कॉपी खराब हो सकती है। और अभी 160 स्टूडेंट की परीक्षा हुई थी तो उसमें भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी, तो बस यही प्रॉब्लम है। और कमी पड़ जाती है, टेबलों की भी कमी पड़ जाती है, पेपर देने में दिक्कत होती है और बस यही चाहते हैं कि रूम की भी मतलब वो है जरूरत। अभी शासकीय महाविद्यालय इंदरगढ़ में भवन उपलब्ध नहीं है। हमारा जो है भवन मिडिल स्कूल द्वारा दिया गया है, जिसमें केवल 2 कक्ष उपलब्ध हैं और यहां परीक्षा में लगभग 1000 छात्र छात्राएं परीक्षा दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक रूप से हमें टेंट लगा के ही परीक्षाएं संचालित कराना पड़ रही है। क्या इसी तरह चलता रहेगा? नहीं, महाविद्यालय भवन जो है वो कामर रोड पे नवीन भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ है, संभवतः 1 साल के अंदर हमें नया भवन उपलब्ध हो जाएगा। टेंट में सबसे पहली बात तो परेशानी इसी बात की है, लोगों की सेफ्टी की, क्योंकि बारिश होती है, सर्दी इतनी है कि लोगों की तबीयत खराब हो सकती है। बारिश हो जाती है रात को या ओस भर जाती है टेंट के ऊपर, टेबलें पे ओस गिरती है, कॉपियां खराब होती है, कोई सुविधा नहीं है। बारिश हो जाती है तो जमीन कच्ची है तो गीली हो जाती है, बैठने की सुविधा नहीं है, बहुत कुछ ऐसी तकलीफें हैं, बीमार हो जाते हैं लोग, इतनी मौसम खराब चल रहा है। आपके सर ने क्या व्यवस्था बनाई? हमारे सर ने ये व्यवस्था नहीं है कि अभी जो हमारे कॉलेज में इतनी सुविधाएं हो चुकी हैं जो अभी पहले नहीं थी। हमारा न्यू कॉलेज बन रहा है कामाद रोड पर, जिसमें पूरी सुविधाएं हैं, हर चीज की सुविधा है। और रही बात टेंट की, तो ऐसा है कि जिसमें सर ने इतनी अच्छी सुविधा टेंट में भी कर रखी हुई है कि किसी को दिक्कत ना आए। मकसूद उर्फ सपना किन्नर के विरुद्ध जबलपुर जिले के विभिन्न थानों में 17 आपराधिक मामले वर्तमान में दर्ज हैं और साथ ही आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु 8 बार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई है। इसके बाद भी लगातार मकसूद किन्नर के द्वारा आपराधिक घटनाएं घटित की जा रही थी, जिस पर अंकुश लगाने हेतु पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री शशिकांत शुक्ला द्वारा थाना प्रभारी ओमती को एनएसए में निरुद्ध कराए जाने हेतु आदेशित किया गया। आदेश के परिपालन में एनएसए में निरुद्ध किए जाने हेतु प्रतिवेदन तैयार कर पुलिस अधीक्षक जबलपुर के माध्यम से जिला दंडाधिकारी जबलपुर को प्रेषित किया गया। जिला दंडाधिकारी जबलपुर के द्वारा आज दिनांक 18 दिसंबर को मकसूद उर्फ सपना किन्नर की आपराधिक गतिविधियों से सहमत होते हुए एनएसए के तहत वारंट जारी किए जाने पर आरोपी की थाना ओमती में गिरफ्तारी की गई है। जी सर, आज जो मकसूद जो किन्नर कहलाता है, नकली किन्नर है वो, ओके, और जो दूसरे जो किन्नर है उनके पिछले 1.5 महीने से काफी आतंक फैलाया हुआ था और उसके ऊपर करीब 17 मुकदमे पहले से रजिस्टर्ड है और ओमती इलाके का रहने वाला है, तो उसका आज एनएसी किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत उसकी कलेक्टर साहब ने वारंट जारी किया गया है और उसमें उसकी गिरफ्तारी की गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में उसका वारंट दाखिल कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में 24 दिसंबर को श्री गोविंद सिंह महाराज का पवित्र पवन प्रकाश उत्सव मनाया जा रहा है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। प्रकाश उत्सव 24 दिसंबर को सदर शिवाजी ग्राउंड में सुबह 11 बजे से प्रारंभ होगा। इस अवसर पर आयोजक श्री गुरु सिंह सभा के सदस्यों ने बताया कि इस धर्म आयोजन में हजारों की संख्या में धर्म प्रेमी मत्था टेकने पहुंचेंगे। सिख समाज का भी धन्यवाद करता हूँ जो गुरु गोविंद सिंह महाराज का 350 साल जो अब गुरुपुरब जो 1 साल होने को आ गए हैं, यहाँ पर जो केंद्र की मंत्री हैं और सिमरत कौर जी बादल, पंजाब के मुख्यमंत्री जो थे सार प्रकाश सिंह बादल के जो बेटे हैं सरार।
आज जबलपुर एसपी ऑफिस जनसुनवाई में पहुंचे बगराजी कुंडम के जिला पंचायत सदस्य ने पूर्व एमएलए के बेटे पर शराब बिकवाने का आरोप लगाया और कहा कि स्कूल और मंदिर के समीप शराब नहीं बिकनी चाहिए, शराबी महिलाओं और बच्चों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। इसके साथ ही जनसुनवाई में पहुंची एक महिला ने बताया कि तबीयत खराब हो जाने के कारण वो गोरखपुर स्थित दवा दुकान में दवाई लेने गई थी। दुकान संचालक ने उसे जो दवा दी उससे उसके चेहरे का एक तरफ का हिस्सा टेढ़ा हो गया और जब इस बात की शिकायत लेकर वो गोरखपुर थाने में जब रिपोर्ट लिखवाने के लिए पहुंची तो वहां उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। सारी शिकायतों को एसपी शशिकांत शुक्ला और एएसपी संजय साहू ने गंभीरता से सुना और सारी शिकायतों का निराकरण शीघ्र करने की बात कही। उसके ऊपर शादी का दबाव बना देते, लड़के ने मना कर दिया, जब एक दिन खुद ही सेटलमेंट करते तो शाम को हमारे पास आएगी। एक बार मैंने स्वयं भी कहा था कि ऐसे एक बार दोनों पक्षों से एक बार समझा कि इस बात नहीं होनी, अपराध पक्षी बंद हो गया। सेकंड, एक शराब दुकानों को हटा करके एक शिकायत आपके पास अभी आई है कि शराब दुकान, शराब दुकान एक्चुअली वो हमारा विषय नहीं है। मैंने समझाने का प्रयास किया, शराब दुकान हटाने के लिए वो जिला दंडाधिकारी के पास जाए और वो जिला दंडाधिकारी उसको कार्रवाई के लिए सक्षम है। वो चूंकि शासकीय दुकान है उसको हटाने के लिए सक्षम नहीं। तो मैंने मेडिकल शॉप से टैबलेट ली थी, उसको बोला था ब्रूफिन दे दो, उसने अपनी मर्जी से मुझे 3 खुराक दवाई दी जिसका ये असर है कि पूरा मुंह मेरा टेढ़ा हो गया। कल इसकी सुनवाई के लिए मैं गोरखपुर थाने गई थी मगर वहाँ 2.5 घंटे मेरे जैसी महिला परेशान होती रही, किसी ने कोई सुनवाई नहीं की, टीआई के बोलने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए आज मैंने जन सुनवाई में ये दिया गया है कि पशुपालन जैसे थाने को बंद किया जाए और ये थानों का रहनुमा कौन है, इसकी देखरेख कौन कर रहा है, जो भर्राशाही चल रही है, ये बात की अवगाही आज मैंने एसपी साहब जबलपुर को दी। दवाई की दुकान में फिर आप गए, क्या बोला? अभी दवाई की दुकान में नहीं गई हूँ, सबसे पहले मैंने यहाँ से कार्रवाई की मांग की है कि मैं तो सक्षम हूँ मगर अगर कोई अनजान आदमी ये दवाई खा के मर जाता है तो पुलिस क्या करेगी, पंचनामा करके अपना पल्ला झाड़ लेगी। क्या बोले अभी? एसपी साहब ने तत्काल कार्रवाई की, जांच के आदेश दिए। सरोज कांडा। जबलपुर में गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया गया। बताया जा रहा है कि 351वां जन्मदिन मनाया गया जिसमें लगभग हजारों की संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए पुलिस वाला वेब न्यूज़।